नमस्कार, मैं हूं समर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 की। इस मूवी की अगर कमाई की हम पहले बात करें तो इस मूवी ने एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में निराश किया है। इस मूवी ने 3 दिनों में 81 करोड़ कमाए थे और लग रहा था कि मूवी शायद 100 करोड़ कमा लेगी 3 दिन के अंदर, हर सलमान खान की फिल्म की तरह। पर ये फिल्म ये करने में असफल हुई है। पहले दिन की अगर कमाई की बात करें तो मूवी 24 करोड़ कमा पाई, तो वहीं सैटरडे को भी 24 करोड़ की रही कमाई और संडे को हालांकि कुछ इसने कमाई अपनी ऊपर करी और 30 करोड़ पर आई। पर मंडे को फिर एक बार फिल्म ने ड्रॉप देखी और ये ड्रॉप 60% की थी और मंडे को फिल्म महज 10 करोड़ कमा पाई है। सलमान खान की कोई भी फिल्म आती है तो एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि वो वीकेंड में यानी कि 3 दिन के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा तो आसानी से पार कर ही रही और 200 की तरफ आगे बढ़ेगी। पर ये फिल्म ये करने में असफल साबित हुई है। हालांकि इसकी वजह जो CAA प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में हो रहा है वो भी हो सकती है कि लोग अपने घरों में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बाहर कहीं घूमने के अलावा। बात करें अगर कलेक्शन की तो कलेक्शन जो है इसका टोटल 4 दिनों का अगर मिला के बताऊं मैं आपको तो 91 करोड़ हुआ है। तो सलमान खान की फिल्म के लिए कलेक्शन काफ़ी कम है। इससे पहले सलमान की फिल्म रेस 3 भी बॉलीवुड पर एक तरह से डिजास्टर साबित हुई थी। क्रिटिक्स ने तो उसको हर फिल्म की तरह नकारा था और फिल्म जो है महज 167 करोड़ कमा पाई थी बॉक्स ऑफिस पर। सलमान खान की मूवी अगर 200 करोड़ नहीं कमाती है तो एक बड़ा सवाल उठता है सलमान खान के स्टारडम पर या फिर उनके मूवी सिलेक्शन पर भी सवाल उठता है। पर सलमान खान के फैंस जो हैं वो उसकी मूवी को जो सक्सेसफुल बना ही देते हैं, पर ये रेस 3 के बाद से ऐसा देखने में नहीं मिल रहा है। शायद इंडियन ऑडियंस को अब अच्छा कंटेंट चाहिए और वो कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ के पीछे ही जा रहे हैं। यही रीज़न है कि आयुष्मान खुराना की मूवीज़ आज के टाइम में सक्सेसफुल होती नज़र आ रही हैं। क्रिटिक्स की अगर माने तो दबंग 3 को उन्होंने नकारा है और उनका कहना है दबंग 3 देखने से बेहतर है कि आप अपने घर में बैठें। काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बोला गया है ट्विटर पे। अगर बात करें ट्विटर पे भी लोगों ने इस फिल्म को नकारा है और ये तक क्वेश्चन किया है कि दबंग 3 बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब दबंग 2 कुछ खास नहीं कर पाई थी। दबंग जो फ्रेंचाइज है ये दबंग 1 इसकी आई थी, इसके बाद दबंग 2 आई थी और उसके बाद ये जो तीसरा पार्ट है ये 3rd इंस्टॉलमेंट है इसी फिल्म का। इसके अलावा दबंग 3 200 करोड़ का आंकड़ा पार भी कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और एक तरह से नामुमकिन सा दिख रहा है क्योंकि 27 दिसंबर को अक्षय कुमार की एक बड़ी फिल्म आ रही है गुड न्यूज़, जिसमें उनके साथ दिलजीत, कियारा आडवाणी और करीना कपूर दिखेंगे। ये एक बड़ी फिल्म मानी जा रही है। इसके ट्रेलर को फैंस ने काफ़ी अप्रिशिएट करा है, इसके कंटेंट को लेकर भी काफ़ी तारीफ हो रही है। तो एक तरह से अक्षय वर्सेस सलमान आपको देखने को मिल सकता है। दबंग की रिलीज़ 1 हफ्ते पहले हुई थी और अब अक्षय कुमार और सलमान खान की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगी। देखना यह होगा कि कौन सी फिल्म ज़्यादा कमाल कर सकती है। अगर गुड न्यूज़ को क्रिटिक्स का हाथ मिलता है, साथ मिलता है, तो वो पक्की बात है वो दबंग को जो है गिराएगी और बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से एज अ किंग साबित हो सकती है। तो सलमान खान की ये फिल्म दबंग शायद रेस 3 की तरह 200 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। हालांकि 100 करोड़ का आंकड़ा वो आने वाले कल या परसों में क्रॉस कर लेगी, पर 100 करोड़ दबंग जैसी फिल्म जैसी फ्रेंचाइज के लिए और सलमान खान के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सलमान खान को यहाँ पे देखना होगा कि वो कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स लाएं जिससे कि क्रिटिक्स भी उनका साथ दें और फैंस भी। हालांकि ये सलमान खान के फैंस के लिए एक मूवी मानी जा रही है, अगर सलमान खान के फैन हैं तो आप ये मूवी देखने जा सकते हैं, वरना ये मूवी ना ही देखें तो बेहतर। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव उत्तर प्रदेश के साथ।